रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोनलेस कढ़ाई। इसको आप चिकन बोनलेस हांडी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये तैयार होती है तो ये हांडी में सर्व की जाती है, तो बनती है कढ़ाई में ही है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई लेके इसमें घी डाल लिया था, घी पहले से थोड़ा सा गर्म था, दोबारा से इस कढ़ाई को फ्लेम पे रख दिया। अब सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए चिकन, और चिकन भी चाहिए हमें थाई का छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से। तो ये हम सारा डाल देंगे घी के अंदर इस तरीके से, और इसको हम तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन, और इसको भी इसके साथ मिक्स करके तो आधा मिनट तक इसकी भी फ्राई करेंगे। आधा मिनट बुनाई कर लेने के बाद अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें थोड़े से लौंग डालेंगे 6 से 7 दाने, 3 मोटी इलायची बड़ी इलायची जिसको कहते हैं, 2 छोटी इलायची हरी इलायची जिसको कहते हैं, 1 जावित्री का छोटा सा दाना फूल ये होता है, ठीक है, और 2 दालचीनी के छिटे, ये देखें इस तरीके से। और साथ इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक जो है हम लोग डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, ये देखें। और तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इसको हम इसी तरह फ्राई करेंगे। 1 मिनट की बुनाई हमने और कर ली है, ये आपके सामने देख लीजिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए 1 टमाटर के 2-2 पीस करके इस तरीके से ये टमाटर इसमें शामिल कर देंगे, ये देखें। टमाटर शामिल कर देने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे टमाटरों को, और फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे, और तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकने देंगे। 8 मिनट गुजर चुके हैं तकरीबन, हम इसका कवर उठा लेंगे। कवर उठाने के बाद सबसे पहले हमने टमाटरों के छिलकों को उतार लेना है, क्योंकि 8 मिनट का दम लगाने का मकसद ये था कि टमाटर नरम हो जाएं और इनके छिलके आसानी से हम उतार सकें। तो ये देखें, किसी भी चीज़ से तमाम टमाटरों के छिलकों को हमने उतार लेना है। तमाम टमाटरों के ऊपर से छिलके हमने उतार लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई, ठीक है। और उसके बाद फ्लेम को अब हमने हाई कर लेना है, फुल फ्लेम पे अब हम इसकी बुनाई करेंगे। टमाटरों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जो फौरी तौर पे हमारे मिक्स हो जाएंगे। बेसिकली ये लाहौर के जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनमें ये बोनलेस कढ़ाई तैयार की जाती है, इसको लाहौरी बोनलेस हांडी भी कहा जाता है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें टमाटर कितनी आसानी से इसके साथ घुल रहे हैं, बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं। तो फ्लेम को हाई रख के तो हमने इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं जी इसकी बुनाई होते हुए। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी शामिल कर देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, नॉर्मल सी तीखी होती है। और उसके बाद इसमें हम दही का तड़का लगाएंगे, ताज़ा फ्रेश दही वो थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको जब तक ये कढ़ाई हमारी घी नहीं छोड़ देती इसको फ्राई करेंगे। ले जी व्यूअर्स, चिकन बोनलेस कढ़ाई बन के रेडी, चिकन बोनलेस हांडी बन के रेडी। आप इसको चाहे सर्व करें हांडी में, चाहे सर्व करें किसी डोंगे या बाउल में, ये बिल्कुल रेडी। मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब आखिर पे हम इस पर डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, पाउडर नहीं, ये हमने कुट ली थी तो ये कुटी हुई हम इसमें डालेंगे। और ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ये देखें ऐसी ज़बरदस्त शानदार किस्म की इसकी खुशबुएं, और इसकी लुक आप देख लें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाली, जैसे रेस्टोरेंट में जाके हम खाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपके साथ इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।